बैक टू माय चैनल कहीं दूर बाय मेघा कपूर। और इस वीडियो में मैं आप सबके साथ चादर ट्रेक से रिलेटेड क्या चीजें पैक करनी चाहिए हैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, एंड स्पेशली क्लोदिंग, बिकॉज क्लोदिंग कैन मेक और ब्रेक अ ट्रैक, स्पेशली इफ इट्स अ विंटर ट्रैक। तो अगर आप चादर ट्रैक के लिए प्लान कर रहे हैं या किसी भी और विंटर ट्रैक पे जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर प्रिपेयर्ड यू कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स योर वे। तो स्टार्ट करते हैं क्लोदिंग के साथ और सबसे पहले बात करते हैं लेयरिंग की। चादर ट्रैक में टेम्परेचर माइनस में रहता है तो लेयरिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने 3 लेयर्स पहनी थी, पहली थर्मल्स बाय यूनिक्लो, सेकेंड लेयर वॉज फ्लीस एंड थर्ड लेयर वॉज -10 जैकेट। एंड ऑनेस्टली यूनिक्लो के थर्मल्स हेल्प मी अलॉट इन कीपिंग माई सेल्फ वॉर्म। मेरे फेलो हाइकर्स ने 6 लेयर्स तक पहन के रखी थी, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यूनिक्लो के थर्मल्स खरीदें। मैंने एक -20 डिग्रीज का जैकेट भी कैरी किया था जो मैंने समिट डे और खारदुंगला पास में यूज़ किया। लेकिन अगर आप यूनिक्लो के थर्मल्स ले रहे हैं और वो भी अल्ट्रा वॉर्म वाले, देन इवन -10 जैकेट इज सफिशेंट। फॉर बॉटम्स अगेन आई यूज यूनिक्लो थर्मल्स and I picked up 2 pants, one from Decathlon which is normal snow hiking pant with the inner layer of fleece, and the other one from Uniqlo which I picked up from men's section kyunki women's section mein wo available hi nahi tha, and I must confess the Uniqlo pant was much warmer than the Decathlon pants. नाउ टॉकिंग अबाउट शूज़, तो ये ट्रैक आप गम बूट्स में करेंगे जो कि आप ले मार्केट से रेंट पे ले सकते हैं, या आपका जो भी ट्रैकिंग पार्टनर है उनकी हेल्प से वो आपको गम बूट्स रेंट पे प्रोवाइड कर सकते हैं। बट वन थिंग विच आई हाईली रिकमेंड टू एवरी वन इज़ टू यूज़ एंटी फंगल पाउडर बिफोर यू वेयर दीज शूज़ और एवरी डे वेन यू यूज़ दीज शूज़। मेरे को एक्चुअल में चादर ट्रैक से आके टो नेल के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो गया था, सो प्लीज़ एंटी फंगल पाउडर ज़रूर कैरी करें। और गम बूट्स के साथ आप अपने वाटरप्रूफ हाइकिंग शूज़ भी कैरी करें, बिकॉज देयर विल बी सम स्ट्रेचेस जहाँ पे आपको अपने शूज़ पहनने पड़ेंगे, स्पेशली इफ़ देर इज़ नो चादर एंड यू हैव टू क्लाइंब अप अ माउंटेन, तो उस टाइम पे हाइकिंग शूज़ बहुत यूज़फुल रहते हैं। और कैंप में पहुंचने के बाद भी हाइकिंग शूज़ में आगे पीछे जाना या टॉयलेट जाना काफ़ी कन्वीनियंट रहता है एज़ कम्पेयर टू गम बूट्स। सो दिस वॉज़ अबाउट लेयरिंग एंड शूज़। और अगर आपको थर्मल्स यूनिक्लो के नहीं मिल पाते हैं बिकॉज दे हैव वेरी लिमिटेड स्टोर्स, देन यू कैन ऑल्सो बाई थर्मल्स फ्रॉम Decathlon, बट यू कैन चूज मरीनो वूल थर्मल्स बिकॉज दे आर एंटी बैक्टीरियल, एंड लॉन्ग ट्रैक्स पे जहाँ आप नहा नहीं रहे वहाँ पे मरीनो वूल के थर्मल्स या मरीनो वूल की सॉक्स बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। और जब हम सॉक्स की बात कर ही रहे हैं तो सॉक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइटम है आपके लिए पिक करना, और मल्टीपल सॉक्स के पेयर्स आपके पास होने चाहिए बिकॉज हर रोज़ जब आप वॉक करेंगे गम बूट्स में तो गम बूट्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो आपको हर रोज़ अपने सॉक्स जो हैं चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि वो पसीने से ही गीले हो जाएंगे। और ठंड इतनी है कि शायद आप दो सॉक्स पहन के ट्रैक करें, सो हर दिन के हिसाब से आपके पास 2 पेयर सॉक्स के तो ज़रूर होने चाहिए हैं। और इनके साथ साथ डेफिनेटली विंड प्रूफ ग्लव्स, वुलन कैप एंड नेक वार्मर। इनफैक्ट वुलन कैप और नेक वार्मर 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी सूरत में उतारने ही नहीं है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इंसुलेटेड फ्लास्क, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में रहेगा सो यू वुड नीड वार्म वाटर एट एवरी स्टेप, सो इंसुलेटेड फ्लास्क एंड वन हेड टॉर्च, क्योंकि अगर आपको रात में टॉयलेट जाना है तो हेड टॉर्च बहुत ज़रूरी है। एंड बाय एनी चांस अगर आप कोई चीज़ मिस भी कर देते हैं लाना तो ले मार्केट में आर्मी स्टोर है जहाँ पे रीजनेबल प्राइस पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इनफैक्ट मैंने खुद एडिशनल पेयर ऑफ सॉक्स जो हैं वो आर्मी स्टोर जो ले मार्केट में है वहाँ से ख़रीदे थे। चादर ट्रैक क्योंकि विंटर ट्रैक है तो आपको स्नो से बचने के लिए भी कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, जैसे कि वाटरप्रूफ कोट, वाटरप्रूफ पैंट्स,
पोंचो और आपके बैकपैक के लिए वाटरप्रूफ कवर। सिंस हम बैकपैक की बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू आपको कितने बैकपैक्स चाहिए रहेंगे और क्या एडिशनल हाइकिंग इक्विपमेंट्स चादर ट्रैक में यूज़ होंगे। सो सबसे पहले आपका जो मेन बैकपैक होना चाहिए है वो 60 लीटर या ज़्यादा का होना चाहिए, बिकॉज आपके विंटर्स में जो कपड़े होते हैं बहुत मोटे होते हैं, चाहे आपके जैकेट्स हों चाहे आपके फ्लीस हो, सो यू वुड नीड अ बिग बैकपैक। आप चाहें तो बैकपैक खुद कैरी कर सकते हैं या फिर पोर्टर्स को दे सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपना बैकपैक खुद कैरी किया था एंड लेटर आई रियलाइज बिकॉज आई वॉन्टेड टू कैप्चर सो मैनी वीडियोज़ एंड टेक मैनी पिक्चर्स, सो बैकपैक के साथ वो उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू कैप्चर लॉट ऑफ फोटोज़ एंड वीडियोज़ एंड यू वॉन्ट योर हैंड्स टू बी फ्री, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू गिव इट टू पोर्टर एंड यू जस्ट कैरी अ स्मॉल बैकपैक एज अ डे पैक टू कैरी ऑल योर असेंशियल्स फॉर अ डे। देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू हाइकिंग पोल। सो क्या चादर ट्रैक में वाकई हाइकिंग पोल की ज़रूरत है या नहीं? सो आई फील नो, बिकॉज जो हाइकिंग पोल है चादर के सरफेस पे वो स्लिप करता है। सो मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगा, बट आई कैरीड इट बिकॉज आपको वो एक हैबिट बन जाता है ना कि हर ट्रैक में आप हाइकिंग पोल लेके चल रहे हो। So it depends on you, if you want to take a hiking pole so you can take it with you for additional support। और अब बात करते हैं एक बहुत ही खास आइटम की, फीट वार्मर्स, जो मैंने पहली बार यूज़ किए चादर ट्रैक पे। बहुत सारे लोगों ने ये कैरी किए थे, डिकैथलॉन में मिल जाते हैं। मेरे पैर एक रात में पूरे फ्रीज हो चुके हुए थे, सो आई यूज़ दीज फीट वार्मर्स विच हेल्प मी दैट नाइट। तो अगर आप चाहें तो इन्हें भी कैरी कर सकते हैं। So we discussed about clothing, layering, snow covers, boots and backpacks. Now let's talk about other essentials. So as I mentioned, definitely you need antibacterial powder, sunscreen, moisturizer, lip balm, toilet roll, sanitizer, wet wipes and your personal hygiene kit. Aur iske saath saath sunglasses, your entire medical kit, वोलनी, पावर बैंक और कुछ स्नैक्स जिनमें आप ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन बार्स या चॉकलेट्स कैरी कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो आपको अपने साथ चादर ट्रैक में कैरी करना है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। यहाँ पर हर कदम पे आपका पेशेंस लेवल और आपका मेंटल स्ट्रेंथ चेक होगा। एंड एज आई मेंशन्ड इन द बिगनिंग, एज लॉन्ग एज यू आर प्रिपेयर्ड यू कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स योर वे। Just adopt the pace of nature and her secret is patience. So be patient and keep walking. मेरे चैनल कहीं दूर बाय मेघा कपूर पे चादर ट्रैक पे एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें चादर ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल, मेरा डे वाइज एक्सपीरियंस और चादर ट्रैक में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें इन बाकी वीडियोज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल कहीं दूर बाय मेघा कपूर को सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप फ्यूचर में चादर ट्रैक पे जाना पसंद करेंगे या नहीं।